भैया नाम? प्रमोद नागर। किस चीज़ को लेकर आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं? हमारी डेयरी है सेक्टर 20 में दूध की, और ये राजीव चावला जी का ग्रेविटी पिंड बलोची कई होटलों में दूध पनीर जाता था, जिसकी 2008 से पेमेंट रुकी हुई थी। सन 2014 में पेमेंट बिल्कुल बंद कर दी, देनी माल भी बंद कर दी, जो पैसे देने से मन पैसे देते नहीं है। जब भी आए दिन फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते, घर पे जाते मिलते नहीं, ऑफिस जाते मिलते नहीं, इसलिए हम यहाँ धरने पर बैठे। पुलिस प्रशासन से कोई मध्यस्थता हुई कि पेंट बलूची पर हमने धरना दिया था ग्रेटर नोएडा, तो वहाँ पे सीओ साहब ने पुलिस के माध्यम से आश्वासन मिला, बीच में वो लोग रहे, टाइम ले लिया, टाइम पूरा हो गया, पुलिस बैठी रहेगी, मतलब अपने टाइम पे पैसे नहीं दिए, जितना टाइम लिया पैसे नहीं दिए। कितना बकाया है तकरीबन? 10 लाख रुपये बकाया। और आखिरी पेमेंट कब की गई थी? आखिरी पेमेंट फरवरी 50,000। और आखिरी बार फ़ोन पर कब बात हुई थी आपकी? एक महीने पहले। तब क्या कहा गया था? एक महीने पहले ये कहा था कि 1 लाख रुपये में दे दूँ 10-15 दिन में, फिर फ़ोन उठाने बंद कर दिए। आपका नाम? मेरा नाम भैया आजम सिंह भाटी है, मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का नोएडा महानगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। किस चीज़ को लेकर धरने प्रदर्शन में बैठे हो आप लोग? धरने पर भैया, ये ग्रेविटी रेस्टोरेंट जो है, इसके मालिक चावला पे हमारे कार्यकर्ता के 14 लाख रुपए है, और करीब 5-6 साल हो गए। 1.5 साल पहले इसने कंप्रोमाइज करके वहाँ पर चेक दिए थे ग्रेटर नोएडा में, उसके बाद इसने वे चेक भी बाउंस करा लिए, और जो मैं आज दे रहा हूँ कल दे रहा हूँ प्यार प्यार से, इसने जो है कम से कम 1.5 साल और निकाल दी उसके बाद भी। अब अंत में आकर के फिर हम उसी उस पर उतना बढ़ा कि भाई जब तक तू पैसे नहीं देगा अब हम तभी उठेंगे यहाँ से, पैसे लेके जाएंगे, पैसे नहीं भरने देंगे, मेहनत की कमाई है, किसान आदमी है, जैसे तैसे बेचारे दिन रात इधर उधर से कर्ज ले ला करके, वो भी व्यापारी है, 10 जगह से उसके ऊपर भी कर्जदार है, उसके भी पनीर उधार आता है, दूध भी उसके उधार आता है, वो कहाँ से देगा दूसरे किसान लोगों के, कितने मतलब एक परिवार नहीं जुड़ा इसमें, इसमें 50 परिवार जुड़े हैं। जिस तरीके से पैसे नहीं दिया जा रहा है, आपको टरकाया जा रहा है, टहलाया जा रहा है कि आज दे देंगे कल दे देंगे, अब आगे क्या आप लोगों का स्टेप होगा, अगला स्टेप क्या है? भाई अगले स्टेप जो है इसके घर पे धरना देंगे, अगर ये यहाँ नहीं आएगा तो इसके घर पे देंगे, लेकिन पैसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मेहनत के पैसे हैं, फ्री के हैं नहीं, इसके लिखा हुआ सब कुछ है, इसके दिए हुए चेक हैंगे, माल दिया है इसके हाथ, दिन रात दिया गया है, पैसे नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। बाकी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे वो जो घोषणा करेंगे वो हम सब अमेंगे।